साथ साथ भी एसपी हो, ये होके अपनी जान हथेली पर रखकर हमारे समाज की सेवा कर रहे हैं और पुलिस कर्मियों के साथ शाना बशाना, चाहे वो मिलिटेंट हों चाहे वो दूसरी एंटी नेशनल एक्टिविटी में जो लोग शामिल हों उनके साथ मुकाबला करना, ये भरपूर मुकाबला जो थे वो कर रहे थे। इनकी शुरुआत में 3000 रुपया तनख्वाह थी, इनकी जो डिमांड थी। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार आई, आदरणीय राजनाथ सिंह जी गृह मंत्रालय के माध्यम से इनकी तनख्वाह जो है 6000 हुई थी, लेकिन फिर भी ये सेटिस्फाई नहीं थे और हमें भी लगता था कहीं ना कहीं इनके साथ बेइंसाफी हो रही है, क्योंकि जो बहुत अच्छा काम करते हैं और जान को जान की परवाह बिना किए ये लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो आज इनके लिए भी केंद्र सरकार ने के माध्यम से इनका जो है एक तो ये कि भाई जो 5 साल जिनको हुए हैं उनकी 6000 रुपये तनख्वाह, जिनके 6 से लेकर 10 साल हुए उनकी 12000 रुपया, और फिर जो 15 साल तक है उनकी 6 से 12 14 तक 10000, 15 साल तक ऊपर और उससे ऊपर जो है 10 से 10 साल से 15 साल तक जो लोग काम कर रहे हैं उनकी 15000 रुपया तनख्वाह जो है वो की है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी अच्छी घोषणा जो है वो सरकार ने की है। इसके साथ साथ ही अगर कहीं कहीं मिलिटेंटों के साथ मुठभेड़ में किसी एसपीओ का मारा जाना हो जाता था तो उसके लिए परेशानी खड़ी हो जाती थी, क्योंकि वो परमानेंट नहीं है, लेकिन सरकार ने अब इनके लिए भी 30 लाख रुपए तक का एस्क्रेशिया जो है वो इनको देने की घोषणा की है, ताकि पीछे जो इनके परिवार रह जाए उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े।